हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कैसे कृष्ण का नाम रोते हुए पुकार सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र वास्तव में बहुत अद्भुत है। यही एक वास्तविक कार्य है, हमको करना चाहिए। और कितनी भी कार्य हम कर रहे हैं वो इस हरिनाम में आसक्त होने में सहायता करते हैं। और उसके लिए हम करते हैं कैसे हरिनाम में और आसक्त हो जाए। प्रभुपाद बोला करते थे, जब हम हरिनाम को पुकारते हैं किस तरह का पुकारना चाहिए, कैसे एक बच्चे माँ के लिए पुकारते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बच्चे के तरफ पुकारने का मतलब क्या है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। हई नंद तनुज किन करम, हम सब इस भौतिक जगह में घिरे हुए हैं। इस भौतिक जगह में कैसे एक माँ देखती है बच्चे गिर गए हैं, नीचे गिरा हुआ है, बच्चे अपने आप तो नहीं उठ सकते हैं। दिन क्या दिन माँ ऐसे नहीं छोड़ता है, माँ तो आगे आते हैं, अपने हाथ को फैला के उसको उठाती है और उसको आलिंगन करती है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को पुकारते हैं उसी तरफ रोते हुए कृष्ण को पुकारना चाहिए, कृष्ण को भीख मांगना चाहिए। ये कृष्ण, इस भौतिक जगह में मैं गिर चुका हूँ, ये जगह बहुत ही कष्ट वाली जगह है, अनेक सुविधा है, पर फिर भी इस सुविधा का क्या फायदा है, मैं तो आपका आपसे मैं दूर हूँ, आपसे मैं अलग हो गया हूँ, इसलिए भगवान मेरे को उठाइए, प्लीज मेरे को उठाइए। इस तरफ का जब हम पुकारेंगे जरूर कृष्णा अपने हाथ को आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे किधर है वो, किधर है। सो इस तरफ का हृदय से कृष्ण को पुकारना चाहिए और हम सहायता मानना चाहिए, कृष्ण मेरे को उठाइए और आपके पास लेके आइए, आप मेरे को आलिंगन करिए, इस भौतिक स्तर से तर पर उठ के आध्यात्मिक स्तर पर लेके आइए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मेरे को आपको धूली बना दीजिए, धूली बना दीजिए। सो हम भी भगवान का चरण में धूली बना के रहना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, हम भगवान कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर रहना चाहते हैं। दैट इज व्हाट धूली का मतलब है। सो हमारा ये भी एक तरीका से आध्यात्मिक मुक्ति का इच्छा है और भौतिक कष्ट से हम मुक्त होना चाहते हैं। बट वास्तव में हमको आनंद प्राप्त कर सकते हैं जब हम शुद्ध भक्ति का करते हैं। जैसे इस श्लोक में किनकर का मतलब क्या है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं किनकर का मतलब है सेवक। किम मतलब क्या, कर मतलब डू, क्या कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ। ये कितनी अद्भुत शब्द है, एक किनकर, एक कृष्ण मैं आपका क्या कर सकता हूँ। जब भी श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलते थे और कोई लेटर लिखते थे, प्रभुपाद हमेशा यही प्रश्न पूछा करते थे, व्हाट सर्विस मैं आई रेंडर, मैं क्या सेवा आपके लिए कर सकता हूँ। सो जब इस तरह का कोई भावना कोई रखते हैं वो वास्तविक में वो आध्यात्मिक स्तर है और वो एक एक साधक का इंद्रियां कब शुद्ध हो जाते हैं, इस तरफ का चेतना वो प्राप्त करता है। सो इस तरफ का हम जप करेंगे, ये वास्तविक जपा है। किस तरफ का है, ये कृष्ण इस भौतिक जगह से मेरे को उठाइए और उठा के आपके पास लेके आइए, कैसे एक बच्चा माँ के लिए रोते हैं और माँ उसको, ऐसे बच्चे हैं पूरी निर्भर है माँ से, उसी तरफ है हम कृष्ण से पूरी निर्भर है। इसका बोलते हैं साधना। इस भावना से जब हम साधना को करते हैं वो साधना में से क्या होते हैं, हमको वास्तव हम आध्यात्मिक स्तर पर आ पाते हैं। नहीं सो ये है, इस तरफ का जप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जप का मतलब है चलते हुए फिरते हुए हंसते हुए कैसे भी हम अपने नाम अपना डेली कोटा को पूरी कर दें, नहीं नो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक सेवा है। इस तरह का भाव से अब्सर्व होके भगवान का नाम लेना चाहिए।
श्री गुरु रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, जब राधा कृष्ण को वृंदावन में देखते हैं, सारे लोग, सारे संगीगण राधा कृष्ण का सब राधा कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, और कितने भी उधर पत्ता है, वो पत्ता एक अलग तरह का म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, और संगीगण भी बहुत ही सुंदर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से राधा कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। श्रीमद राधा रानी कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं। इसको श्री रघुनाथ दास गो के बहुत दुखी होता है, उसके हृदय में बहुत दुख होता है। ये बोलते हैं कि मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं देखिए मैं किस तरह का विचार में मैं लीन हूँ, मैं राधा कृष्ण के साथ क्यों नहीं हूँ, इस तरह का रोते हैं। हरे कृष्णा हरे रामा, इस तरह का ये कृष्ण ये राधा रानी ऐसे बोल के वो रोते हैं, हृदय से वो रोते हैं। मेरे को क्या, मेरा ये नाम अब सुन पा रहे हो, कब ये नाम, ये संगी आपका संगीगण का म्यूजिक से पेनिट्रेट होके, इस पेड़ का पत्ते का म्यूजिक से पेनिट्रेट होके आप सुन पाएंगे, इसके वजह से आप मेरे को इस भौतिक जगह से उठ के आपके पास लेके आएंगे। इस तरफ का वो हृदय से वो रघुनाथ दास गोस्वामी ये भगवान का नाम लेते हैं, इससे ये प्लीज लुक डाउन, रीच आउट टू लिफ्ट दिस सोल, आप नीचे देख के मेरे को उठाइए इस गिरा हुआ आत्मा को। इस तरह हृदय से भक्ति भावना से रघुनाथ दास गोस्वामी ये हरि नाम लेते हैं। सो ये कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान का संग प्राप्त करने के लिए रोते हुए नाम लेते हैं, उस तरह का हरि नाम वास्तविक नाम होते हैं, उस तरह का मेडिटेशन है, ये एक माइंड का एक्सरसाइज नहीं है, ये स्वाभाविक रूप में इंद्रियां ये चाहता है, हमारे अंदर ये इच्छा होना चाहिए। कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा इस आंखों से मैं भगवान को देख पाऊंगा, कब वो दिन आएगा इस कानों से मैं भगवान का शब्दों को सुन पाऊंगा, कब वो दिन आएगा इस नाकों से वृंदावन धाम का सुगंध को अनुभव कर पाऊंगा। वास्तव में जरूर एक दिन ये सब अनुभव करने का मौका मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमको एक चीज करना होगा, वह है हृदय से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे नाम जप करना होगा। Definitely we'll get this opportunity to experience all these things. Hare Krishna.